ले भाई ऑफिस में आ गए हैं, करनाल जाना है और एक्टिवा पे आए हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, देखो बाल ओस इतनी ज्यादा भाई, कति पूरा पूरा पानी में भीग गए हैं, सारा सारा मुंह बहुत ज्यादा ठंडा भाई। ले भाई गाड़ी निकाल ली है और अभी चलने की तैयारी है करनाल की तरफ, और चलिए देखते हैं कुछ नया मिलता वहाँ। ले भाई करनाल पहुंच चुके हैं अभी, और यहाँ से अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ये भाई यमुनानगर के दादूपुर में आ गए हैं, और यहाँ दिखाते हैं आपको बहुत ही पुराना अंग्रेजों के टाइम का रेस्ट हाउस। ये है भाई दादूपुर रेस्ट हाउस, इसमें लीची का बाग भी है, अमरूद का बाग है, काफी बड़ा है। एक साइड बिल्डिंग पुरानी, ये भाई अंग्रेजों के टाइम का रेस्ट हाउस है। पुरानी बिल्डिंग होगी ना ज्यादा, फिर है नू की नू आऊगा। ये है भाई दादूपुर का पुराना रेस्ट हाउस, काफी मेंटेन रखा गया इसको। ये पुरानी झोपड़ी टाइप बनाई हुई है भाई, पूरी ऊपर की पराल की पूरी की बनी हुई है। ये अंदर था भाई, ये आगे से ऐसा है भाई रेस्ट हाउस। ये आ गया भाई दादूपुर हेड, काफी सुंदर बना हुआ है। उस साइड पार्क में जिम बनाई हुई है, ये रेस्ट हाउस हो रहा है। ये वही मशीन बनाई गई है गेट को उठाने और बंद करने के लिए, जो पानी का होता है हेड का। अभी दिखाते हैं भाई जहां से लगभग हरियाणा पूरी दिल्ली आधे से ज्यादा हरियाणा लगभग पूरे हरियाणा को पानी यहीं से जाता है, नेडो से एक नहर ये जा रही है, एक उस साइड जा रही है, एक वो जा रही है जो दिल्ली को पानी जाता है। ये है भाई हेड,
देखो ये गेट होते हैं जिनको मशीनों के द्वारा उठाया जाता है तो आगे पानी जाता है। अभी पानी फिलहाल के लिए रोका हुआ है, उस साइड वाली जो नदियों में पानी जा रहा है। यहाँ हरियाणा और दिल्ली को पानी का विभाजन करके दिया जाता है। उस साइड जा रही है भाई, यमुना, ये यमुना नहर जा रही है। यहां से तो एकदम से साफ पानी जाता है नीला, और दिल्ली जाके यही पानी दूषित हो जाता है। इन मशीनों द्वारा दिखाया जा रहा है भाई कैसे उठाया जाता है, इन लिफ्टों के द्वारा उठाया जाता है गेटों को। और एक ये नहर है भाई जिसको अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। ये भाई रेस्ट हाउस से अभी ये आ गए हैं साइड की तरफ, ये काम चला हुआ है यमुनानगर। ले भाई घर पे आ गए हैं, और काफ़ी लंबा सफ़र था, कम से कम 500 किलोमीटर का। तो अभी खा पी के आराम से सोएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।